वेलकम वेलकम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को आफरीन का सलाम। ये देखिए आज मेरे किचन में बनने वाला है पाव भाजी, वो भी ओनली आलू से बना हुआ पाव भाजी। आइए देखते हैं, चलिए। देखिए वन इंग्रेडिएंट आलू पोटैटो से बना हुआ पाव भाजी। उसके लिए हमें चाहिए एक पैन में थोड़ा सा ऑयल एंड वन बटर क्यूब हीट करना है। एक मीडियम साइज के ऑनियन लेना है, चॉप करके इसको ऐसे फ्राई करना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट वन स्पून लेके इसको देखिए ऐसे मिलाना है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन कलर के हमारे ऑनियंस हो गए हैं। फिर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालना है कलर के लिए, और देखिए आपके टेस्ट के हिसाब से आप थोड़ा सॉल्ट डाल दीजिए। फिर देखिए इनको अच्छे से ऐसे मिक्स करना है। ये थ्री इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिलना है, उसीलिए हम लोग ऐसे मिक्स करना है। फिर देखिए चॉप किया हुआ ग्रीन चिलीज डालना है। फिर देखिए हमें चॉप किया हुआ टमाटोज भी ऐड करना है, और थोड़े करी लीव्स थे मेरे पास वो भी ऐड करी हूँ। ये रेसिपी बहुत ही ईजी और क्विक बनती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए। बच्चे पूछ रहे हैं पाव भाजी क्यों ना बनाए, जरूर बना के दीजिए। और देखिए वन स्पून ऑफ चिल्ली पाउडर डालना है और इसको ऐसे अच्छे से मिक्स करना है। बच्चे बाहर का फूड खाना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए हम लोग अवॉइड करेंगे बाहर का फूड और घर का बना हुआ फूड देंगे और इजी से बना के उन लोगों के हाथ में रख देंगे। स्पून ऑफ धनिया पाउडर एंड वन स्पून ऑफ पाव भाजी मसाला ये देखिए ऐसे डालना है और हमें मिक्स करना है। बाहर का बना हुआ फूड घर में बनाना तो बहुत इजी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए। इसमें थोड़ा कलर नहीं दिख रहा, एक पिंच ऑफ रेड कलर डाल के हम लोग ऐसे अच्छे से मिक्स करना है। आप लोग की मर्जी, आप लोग उसको स्किप भी कर सकते हैं कलर। देखिए टू ऑनियंस लेके अच्छे से बॉईल करना है और इसी तरह हम लोग मैश करना है। फिर देखिए इसमें ऐड करना है, ये देखिए इन्होंने नहीं गिर रहे तो ज़बरदस्ती हम लोग इसमें डालना है इनको। ये देखिए अब इन्हों गिर गए हैं। फिर देखिए गिरते ही हम लोग इनको ज़बरदस्त स्पून लेके अच्छे से मिलाना, ये देखिए ऐसे मिक्स करना है इनको। इन्हों थोड़ा हार्ड हो जाते तो भी हम लोग बहुत कोशिश से मिलाना है इनको, ये देखिए ऐसे मिलाना है। और देखिए इनका कलर तो ज़बरदस्त दिख रहा, और इन्हों हार्ड हो गया ना, इनको थोड़ा वाटर डालना है, वाटर डाल के इनको लूज़ करना है। चलो मेरे YouTube फैमिली, ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है, आपको पसंद आई ना? इफ पसंद आई है आप लोग लाइक कीजिए, बहुत ही पसंद आई तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए थोड़ा कोरिएंडर भी था घर में, कोरिएंडर डाल दी हूँ, और थोड़ा कस्तूरी मेथी भी था, इसको क्रश करके कस्तूरी मेथी भी डाल दी हूँ इसमें। ये देखिए मस्त ज़बरदस्त रॉप चिक वंडरफुल रेसिपी हमारी तैयार हुई है, स्ट्रीट फूड पाव भाजी ओनली आलू के साथ। ये देखिए इन्हों तैयार हो गए हैं, इनको एक छोटे से प्लेट में ले लेंगे हम। और देखिए इनका मेकअप होने का टाइम हो गया है, अब इनको मेकअप करते हैं। चलिए ये देखिए सारा इसमें डाल चुके हैं हम। फिर देखिए हम लोग आ गए हैं फिर किचन में। अब देखिए हमारे पास पाव नहीं होने के कारण हमारे पास थोड़ा बहुत ब्रेड है, हम ये ब्रेड को थोड़ा ऑयल लगा के और थोड़ा ये पाव भाजी मसाला लगा के ऐसे हम लोग थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ना मेकअप होके आगे आ गए हैं, अब देखिए ना ज़बरदस्त दिख रहा है। ये लेमन इसमें मारना है और ये ब्रेड के साथ लगा के खाना है, तो ज़बरदस्त स्ट्रीट फूड हमारे घर में ही तैयार हो गया है। ये देखिए ऐसे ना, वीडियो बहुत ही छिला रहे, अब देखिए सेंटर पर है। फिर देखिए आप लोग पाव से खाइए, पाव नहीं रहे तो ब्रेड से भी खा सकते हैं आप लोग, लेकिन पाव ही मंगाना अच्छा दिख रहा। मेरे घर में कोई भी नहीं होने के कारण मैं ये ब्रेड से खा ली हूँ, और देखो बच्चे आए बाद बच्चे भी खा लिए, बच्चों को बहुत पसंद आया है। ये अब से कह रहे हैं कि बच्चे तो बाहर का फूड नहीं खाएंगे स्ट्रीट फूड, अब मम्मा ही बनाना है ये पूरे स्ट्रीट फूड्स आइटम्स, बोल के बच्चे तो बहुत बोल रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं भी ट्राई करती हूँ स्ट्रीट फूड्स घर में, और आप लोगों को भी शेयर करती हूँ।
प्लीज़ आप लोग भी मेरे वीडियोस आपके अड़ोस पड़ोस फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को शेयर करिए। फिर देखिए आप लोगों को भी टेस्ट बताती हूँ मैं। ये देखिए ब्रेड तोड़ना है और ऐसे पाव भाजी लगाना है और देखिए बिस्मिल्लाह कहिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।